हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन प्रिपरेशन विद आरती में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, चलिए आज से आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि आपके जो यूपी टेट का है वो भी शेड्यूल आ चुका है। 22 दिसंबर को एग्ज़ाम होना है, और साथ ही साथ में आपका जो सी टेट का एग्ज़ाम है वो आपका 8 दिसंबर को होना है। टाइम बहुत कम रह गया है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लेते हैं आज आपका पर्यावरण एनवायरनमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो हम सिलेबस बाय चलेंगे, और साथ ही साथ में लेसन वन लेसन टू लेके चलेंगे। तो आज हम लेते हैं लेसन वन, जिसमें हम परिवार एवं आवास से संबंधित इंपॉर्टेंट MCQ लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो और वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं, और साथ में जो PDF है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दे दूंगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो 15 महत्वपूर्ण प्रश्न पर्यावरण के देख लेते हैं। प्राइमरी लेवल के लिए सी टेट, यूपी टेट ने भी टेट एग्जाम्स होते हैं सभी के लिए। तो फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं परिवार एवं आवास आपका जो लेसन है वो पहला फर्स्ट लेसन है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ दी है MCQ के पहले, जो वेरी इंपॉर्टेंट होती है, और जब आप ये क्वेश्चन देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि जब आपने इसके पहले एग्जाम दिया है तो 100% इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, ऐसे स्थान जहाँ बारिश बहुत कम होती है तथा अत्यधिक गर्मी पड़ती है, वहाँ के लोग कैसे घर में रहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आपके जो जुलाई में एग्जाम हुए थे, 7 जुलाई को हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऐसे स्थान जहाँ बारिश बहुत कम होती है तथा अत्यधिक गर्मी पड़ती है, वहाँ के लोग कैसे घर में रहते हैं। तो देखिए, वहाँ के लोग मिट्टी के घर में रहते हैं, जहाँ पे बारिश कम होती है और गर्मी ज़्यादा पड़ती है। पत्थरों के घर प्रायः कहाँ बनते हैं। तो देखिए, पत्थरों के घर जो है प्रायः पर्वतीय क्षेत्रों में बनते हैं, ठीक है ना। पत्थरों के घर जो है पर्वतीय क्षेत्रों में बनाए जाते हैं। इग्लू क्या है, इग्लू क्या है, देखिए ना, जो बर्फ की सिल्लियों से बना घर, यानी बर्फ से, जो बर्फ की सिल्लियाँ होती हैं, एक तरह से आप कह लीजिए कि बर्फ से जो घर बनाए जाते हैं उन्हें इग्लू कहा जाता है। सभी क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। चीन में नाव पर बने तैरते हुए घर जहाँ रहने, खाने पीने व सोने के अलावा सब्जी उगाने तथा मुर्गी पालने की भी व्यवस्था होती है, क्या कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका है। तो देखिए, ऐसा घर, ये खासतौर पर, ये देखिए यहाँ पे कंट्री भी दे दिया चीन, कभी कभी ये चीज़ें भी पूछ लेता है, जैसे किस तरह के जो घर होते हैं आप जम्मू कश्मीर में भी देख सकते हैं, क्योंकि इस तरह के घर झीलों में बनाए जाते हैं। तो चीन में नाव पर बने तैरते हुए घर जहाँ खाने पीने सोने के अलावा सब्जी और मुर्गी पालने की व्यवस्था होती है, तो वो साम पान घर कहलाता है। क्या कहलाता है, साम पान घर कहलाता है। प्रायः अधिक बारिश वाले स्थानों पर घर किसके बनाए जाते हैं, यानी जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है तो वहाँ पे घर किसके बनाए जाते हैं। तो वहाँ पे घर बांस के बनाए जाते हैं। बाढ़ या भूकंप वाले क्षेत्रों में लोग प्रायः किससे अस्थायी घर बनाकर रहते हैं, जहाँ बाढ़ या भूकंप ज़्यादा आती है तो वहाँ पे लोग टेंट आदि की मदद से घर बनाते हैं, क्योंकि अस्थायी होता है इसलिए वहाँ पे टेंट वगैरह की मदद से घर बना के रहते हैं। किसी सजीव का वह स्थान जिसमें वह रहता है क्या कहलाता है, तो वह आवास कहलाता है, ठीक है। जो सजीव, चाहे वो जानवर हो चाहे हम लोग हो, जो जहाँ रहता है वो आवास कहलाता है। स्थल पर पाए जाने वाले जीवों के आवास को क्या कहते हैं, तो देखिए, स्थल पर जो जीव स्थल पर पाए जाते हैं उन्हें स्थलीय आवास कहते हैं, ठीक है। जो जीव स्थल पर रहते हैं और स्थल पर आवास बना के रहते हैं उन्हें स्थलीय आवास कहते हैं। और साथ ही साथ में और भी क्वेश्चन ले लेते हैं, जल में रहने वाले जीवों के आवास को क्या कहते हैं, तो जलीय आवास कहते हैं, ओके। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसी आवास में पाए जाने वाले जैव घटक कौन से हैं। तो देखिए, आवास में पाए जाने वाले जैव घटक जीव जंतु और पौधे हो जाते हैं, ओके। किसी आवास के अजैव घटक कौन कौन से हैं, तो प्रकाश, ऊष्मा, मृदा आदि। वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपका है, अजैव घटक। पिछली बार भी क्वेश्चन में पूछा गया था, ये आपके पेपर में आया था कि अजैव घटक के अंतर्गत कौन सी चीज़ें आती हैं। पर्यावरण आप पढ़ें और इसमें रासायनिक, जैव, अजैव, सामाजिक घटक ना पढ़ें, ये हो नहीं सकता, और इनसे क्वेश्चन नया ये नहीं हो सकता। तो अजैव घटक में प्रकाश, ऊष्मा, मृदा आदि आते हैं। क्वेश्चन ये था कि प्रकाश किस घटक के अंतर्गत आता है, जैव या अजैव के घटक के अंतर्गत, आपको याद होगा। मरुस्थल में पाए जाने वाले किसी एक जंतु तथा किसी एक पौधे का नाम बताइए। तो देखिए, जंतु की यदि हम बात करते हैं तो ऊंट हो गया, और पौधे की बात करते हैं तो नागफनी हो जाएगा, मरुस्थल में पाए जाने वाले, ठीक है ना। केचुआ किसके द्वारा सांस लेता है, तो त्वचा से सांस लेता है केचुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पौधे में श्वसन क्रिया कब होती है, तो दिन और रात दोनों समय में होती है, यानी पौधे दिन और रात दोनों में ही सांस लेते हैं। जिस परिवार में व्यक्ति के माता पिता, भाई बहन के अलावा अन्य सदस्य,
तथा दादा दादी चाचा चाची उसके बच्चे भी रहे तो उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त परिवार कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं? संयुक्त परिवार कहते हैं। यानी कि एकल परिवार जहाँ पे मम्मी पापा रहते हैं, संयुक्त परिवार यानी कि सिंगल फैमिली जहाँ सिर्फ मम्मी पापा उनके बच्चे रहते हैं, लेकिन जहाँ पे मम्मी पापा बच्चों के अलावा दादा दादी चाचा चाची लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो लोग रहते हैं, तो ज्वाइंट फैमिली हो जाती है, संयुक्त परिवार हो जाता है। ओके, तो ये था स्टार्टिंग में। अभी ठीक है ना, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक और रह गया इसमें क्वेश्चन कि पर्वतीय आवास के प्रति अनुकूलित तीन जंतुओं के नाम बताना, यानी जो पर्वतीय आवास होते हैं वहां पे तीन जंतुओं के नाम बताइए, तो पहाड़ी तेंदुआ, याक और पहाड़ी बकरी होगी। चलिए अब इंपॉर्टेंट आपके एमसीक्यू ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ले लेते हैं, 15 यानी 15 एमसीक्यू। निम्नलिखित में से कौन एकाकी परिवार की विशेषता है, यानी जो ऑप्शन दिए हुए हैं इन ऑप्शन में से कौन एकाकी परिवार की विशेषता। मैंने अभी आपको बताया एकाकी यानी सिंगल जो फैमिली होती है, ठीक है ना, तो कम लोगों का होना या प्रायः माता पिता और उनके बच्चों का होना, ए भी दोनों का होना, या दादा दादी चाचा चाची ताऊ और उनके बच्चों का होना। मैंने अभी जस्ट आपको बताया है कि एकाकी परिवार में जहाँ पे मम्मी पापा होते हैं या उनके बच्चे होते हैं, या तो दो ही हों मम्मी पापा यानी दो लोग, एक या दो लोग या तीन से चार लोग हैं उनके बच्चे में, या फिर वो होते हैं क्या सिंगल फैमिली। ठीक है, तो यहाँ पे सीधी सी बात है, कम लोगों का होना, कम लोग यानी एकाकी, एक या दो लोग का होना तो कम हो गया, और माता पिता या उनके बच्चों का होना, तो ये दोनों चीजें हो जाएंगी। तो राइट आंसर जो आपका है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। यहाँ पे नीचे देखिए एक्सप्लेन भी किया है कि संयुक्त परिवार में लोगों की संख्या ज़्यादा होती है, और संयुक्त परिवार में माता पिता के साथ साथ दादा दादी चाचा चाची ताऊ ताई उनके बच्चे होते हैं, और एक सभी एक साथ एक ही घर में रहते हैं, एकाकी परिवार में माता पिता और उनके बच्चे होते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, सेकंड नंबर का क्वेश्चन हम ले लेते हैं। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है, परिवार से जुड़े रहना क्यों आवश्यक है, परिवार से जुड़े रहना क्यों आवश्यक है, तो इसमें रहकर हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं इसलिए, या सभी एक दूसरे से स्नेह करते हैं इसलिए, या परिवार के सदस्य एक दूसरे की सहायता व सुरक्षा करते हैं उपयुक्त सभी, तो राइट आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी क्यों होगा, क्योंकि परिवार से जुड़े रहना इसीलिए आवश्यक है क्योंकि हमारी ज़रूरतें जो होती हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, तो एक दूसरे से ही पूरी होंगी, एक दूसरे से स्नेह प्यार अनुराग बना रहता है, और सभी जो परिवार के सदस्य होते हैं एक दूसरे की रक्षा है सुरक्षा है वो सभी चीज़ें करते हैं। ठीक है ना, तो सभी एक दूसरे से स्नेह करते हैं, परेशानी के समय एक दूसरे की सहायता करते हैं, परिवार के लोगों से हम सीखते हैं, एक दूसरे की सलाह से काम करते हैं, मिलजुल कर घर के काम निपटाते हैं, त्यौहार मनाते हैं, यही तो हम परिवार की पहचान भी होती है, इसलिए परिवार से जुड़े रहना आवश्यक है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, परिवार हमें क्या करना चाहिए, परिवार में हमें क्या करना चाहिए, एक दूसरे का आदर करना चाहिए, एक दूसरे के साथ विनम्रता का व्यवहार, या किसी के बीमार होने पर उसकी देखभाल करना चाहिए, या फिर आप फोर्थ वाला ऑप्शन ले लेते हैं, उपयुक्त सभी, तो सीधी सी बात है उपयुक्त सभी, परिवार इसीलिए तो होता है, अभी ऊपर हम पढ़ के आए ही हैं, ठीक है ना, तो परिवार में, अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पे एक चीज़ और है कि परिवार में हमें यह करना चाहिए और यह नहीं करना चाहिए, अगर ये दो चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगी तो बहुत आराम से आप इसका आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए हमें क्या करना चाहिए, परिवार में एक दूसरे का आदर करना चाहिए, सभी की बातें सुनना व समझना चाहिए, किसी के बीमार होने पर उसकी देखभाल करनी चाहिए, एक दूसरे के साथ विनम्रता का व्यवहार करना चाहिए, परिवार के लोगों के कामों में सहयोग करना चाहिए। इतनी चीज़ें यदि आपको पता है तो जो आंसर है आप सेलेक्ट कर लेंगे, क्या नहीं करना चाहिए हमें, ठीक है ना, तो बिना बताए कहीं चले जाना ये हमें नहीं करना चाहिए, इधर उधर सामान बिखराना ये नहीं करना चाहिए, बुजुर्गों की जरूरतों का ध्यान ना रखना ये नहीं करना चाहिए, घर के कामों में सहयोग ना करना ये नहीं करना चाहिए, जो लोग देख सुन नहीं सकते उनकी जरूरतों को या जरूरतों का ध्यान ना रखना ये काम हमें नहीं करने चाहिए और ये काम हमें करने चाहिए, अगर इतनी चीजें हैं तो बड़े आराम से आप ऐसा सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली नगरी व्यवस्था विकसित हुई थी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की पहली नगरी व्यवस्था कब विकसित हुई थी, लगभग 2500 ईसा पूर्व, 1190 ईसा पूर्व, 1450 ईसा पूर्व, या 1765 ईसा पूर्व, तो ए जो है राइट आंसर होगा 2500 ईसा पूर्व, क्योंकि आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व विकसित सिंधु सभ्यता भारत की पहली नगरी व्यवस्था थी। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है कि भारत की पहली नगरी व्यवस्था कौन सी थी, इसको भी
याद रखिएगा तो जो सिंधु सभ्यता है वो भारत की पहली नगरीय व्यवस्था थी, ठीक है ना, विकसित सिंधु सभ्यता। और इस सभ्यता की जो प्रमुख विशेषता क्या क्या थी, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हैं। देखिए, सुनियोजित नगर बनाए गए थे, भवन का निर्माण व्यवस्था जो था वो बहुत अच्छे तरीके से किया गया था, समुचित जल निकासी प्रणाली, पहले के टाइम में नालियां बनाई गई थी, घर जो बनाए गए थे बीच से रास्ता निकाला गया था, दोनों तरफ घर बनाए गए थे, यानी कि जैसे आजकल के जो प्लाट वगैरह बनते हैं सेम उस तरह के पहले घर बनाए गए थे, और जो सड़क थी उनके जस्ट किनारे नालियां बनाई गई थी ताकि जो पानी है वो आराम से निकल सके, ठीक है ना। तो ये सभी विशेषताएं हैं सिंधु सभ्यता की, और इसे इसे याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन जरूर आएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि संप्रेषण के लिए प्राचीन मानव ने किसका प्रयोग करना सीखा था, प्रतीक का, इशारों का, ध्वनि का, उपयुक्त सभी का। तो देखिए, उपयुक्त सभी का, प्राचीन काल में जो मानव था वो प्रतीक के माध्यम से, इशारों के माध्यम से, ठीक है ना, और ध्वनि के माध्यम से अपनी बातें दूसरों तक पहुंचाते थे। तो संप्रेषण के लिए प्राचीन मानव ने चित्रों, प्रतीकों, इशारों, शब्दों, ध्वनियों आदि का प्रयोग करना सीखा था। चलिए हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भाषा का प्रमुख कार्य क्या है, समाज को जोड़ना, संस्कृत को अगली पीढ़ियों तक पहुंचाना, ए या बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी समाज को जोड़ना, संस्कृत को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना, ये दोनों काम भाषा का ही तो होता है। पहले की क्या भाषाएं थी वो हम तभी जानते हैं जब उस पीढ़ी ने हम तक इस चीज़ को पहुंचाया, ठीक है ना। पूर्व मानव का भोजन क्या था, पहले के लोग भोजन में क्या करते थे, फल खाते थे, शिकार या फिर फल एवं शिकार दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए सी हो जाएगा, फल एवं शिकार, पहले के जो मानव थे वो फल भी खाते थे और शिकार भी करके खाते थे, ठीक है। तो पूर्व मानव को जो भोजन था वो क्या था, फल एवं शिकार था। पूर्व मानव कहाँ सोता था, यानी पहले के जो मानव हुआ करते थे, आदिम मानव जिन्हें हम कहते हैं, वो कहाँ सोते थे, वृक्ष एवं गुफाओं में, ईंट की घरों में, जमीन के अंदर, आधुनिक घरों में। तो देखिए वृक्ष एवं गुफाओं में वो सोया करते थे आदिम मानव, पूर्व मानव का मतलब यहाँ पे आदिम मानव से है, ठीक है ना। तो वृक्षों एवं गुफाओं में सोते थे पूर्व मानव, यानी देखिए यहाँ पे दे भी दिया आदि मानव द्वारा प्रयुक्त वस्त्र कौन सा था। तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि पेड़ के पत्ते के भी वस्त्र बनाते थे, पेड़ की छाल के भी बनाते थे, जानवरों की खाल का भी वस्त्र बना के पहनते थे, ठीक है ना। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी। चलिए आइए हम अगला और क्वेश्चन इसमें ले लेते हैं और देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सभ्यता की विशेषता क्या है, भारतीय सभ्यता की विशेषता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका बनता है। लोकगीत, पोशाक, विवाह प्रणाली, उपयुक्त सभी। देखिए उपयुक्त सभी जो हमारी भारतीय सभ्यता उसकी विशेषताएं लोकगीत भी हैं, पोशाक भी है, विवाह प्रणाली भी है। तो भारतीय सभ्यता एक और अपनी विविधता, परिवर्तन और विभिन्नता के लिए विख्यात है, तो दूसरी ओर अपनी निरंतरता और एक रूपता के लिए भी जानी जाती है, ठीक है ना। और एकता और विविधता समान रूप से महत्वपूर्ण है यहाँ पे, ठीक है। और जहाँ एकता और विविधता आ जाती है वहाँ पे लोकगीत, पोशाक, विवाह प्रणाली भी बदल जाते हैं, और यही हो जाती है उसकी पहचान, विशेषता। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सभ्यता से संबंधित विभिन्न पहलू हैं, सांस्कृतिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक, सामाजिक एवं धार्मिक, धार्मिक एवं राजनीतिक, क्या होगा। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक, जो यानी सभी चीज़ें आ जाएंगे इसमें। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में सब में किसी में दो दिया, किसी में दो 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 करके पूछा, लेकिन जिस ऑप्शन में चारों चीज़ें होंगी यानी सभी चीज़ें होंगी वो आपका ऑप्शन सही होगा, या फिर ये तीन दे के नीचे पूछ सकता है उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी आपका सही हो जाएगा। तो किसी क्षेत्र विशेष में सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक और जो धार्मिक पहलू होते हैं वो पारस्परिक संबंधों के परिणाम स्वरूप जो उभरे ताने बाने होते हैं उनको सभ्यता कहा जाता है। तो चारों चीजें इसमें आ जाएंगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृत क्या है, जिसके अंतर्गत मानव समाज की सृष्टि करता है। सांस्कृतिक कौशलों एवं प्रस्तुतिकरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को अंतरित करता है, यानी हस्तांतरित करता है। उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त दोनों हो जाएगा संस्कृत का, ठीक है ना। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संस्कृत जो होती है समाज की व्यवस्था होती है, और जिसके अंतर्गत मानव समाज की सृष्टि करता है, और कलाकृतियों, सामाजिक तथ्यों, विविध सांस्कृतिक प्रस्तुतिकरण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुँचाता है, हस्तांतरित करता है, ठीक है। कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है, परिवार की कौन सी विशेषता नहीं है, ये क्वेश्चन आया था पिछली बार एग्जाम में। देखिए इसका राइट आंसर हो क्या होगा, कम से कम दो भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हों, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो, वे समान आवास, भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हों, या सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व तो है। क्वेश्चन समझिएगा, परिवार की विशेषता नहीं है, ठीक है ना,
नहीं है पूछ रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो वो इसकी विशेषता नहीं है, क्योंकि परिवार में क्या होता है, सभी की जो आय होती है वो एक साथ ही होती, भिन्न नहीं होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो परिवार समाज की मूल इकाई होता है, परिवार के सदस्यों के बीच पारस्परिक अधिकार कर्तव्य व्यवस्था होते हैं। तो इसमें देखिए इसकी विशेषता हो जाती है कि कम से कम दो भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हों, ये विशेषता हो गई परिवार की। वे समान आवास में रहते हैं यानी साथ में रहते हैं, भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हैं, और उनकी सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व उन पर होता है। ठीक है, ये सभी इनकी विशेषताओं के अंतर्गत आ जाता है, लेकिन प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती है, परिवार की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए 26 सितंबर 1994 को की गई थी। ठीक है ना, 26 सितंबर 1994 को की गई थी। इसमें कुल 12 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण में? 12 सदस्य होते हैं, और जिनमें एक केंद्रीय श्रम मंत्री जो होते हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं, जो इस प्राधिकरण का यानी राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन से मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो 2006 में पारित किया गया था बाल विवाह अधिनियम। ठीक है ना, बाल विवाह निरोध अधिनियम रोकने के लिए। तो बाल विवाह पर रोक संबंधी कानून सर्वप्रथम 1929 में पारित किया गया, जिसे शारदा एक्ट कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कभी कभी पूछा जाता है कि शारदा एक्ट जो है वो कब लागू किया गया था। ठीक है ना, शारदा एक्ट से आप क्या समझते हैं? तो बाल विवाह को रोकने के लिए ही कानून बनाया गया था, उस कानून को ही शारदा एक्ट कहते हैं, इसे याद रखिएगा। ठीक है, 1929 में, और इसके तहत विवाह के लिए लड़कियों की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई थी उस टाइम में 1929 में। और केंद्र सरकार ने जब 1929 के बाल विवाह निषेध अधिनियम को निरस्त करके उनके स्थान पर वर्ष 2006 में अधिक प्रगतिशील एवं प्रभावी बाल विवाह निरोध अधिनियम पारित किया, और इस अधिनियम के तहत उन लोगों के खिलाफ कठोर उपाय किए गए जो बाल विवाह की इजाजत देते हैं और उन्हें बढ़ावा देते हैं। ठीक है, बाल विवाह निषेध संशोधन अधिनियम 1978 के तहत विवाह के लिए न्यूनतम आयु जो है, अब देखिए यहाँ पे अभी हमने देखा कि 1929 में जो बाल विवाह शारदा एक्ट जो है पारित किया गया, तो उसमें न्यूनतम आयु जो लड़कियों की 14 और लड़कों की 18 रखी गई, लेकिन इसे चेंज कर दिया गया था 1978 में, और 1978 में बाल विवाह निषेध संशोधन अधिनियम पारित किया गया, जिसमें पुरुषों के लिए 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई, जो आज भी चल रही है। ठीक है, तो 1978 में किया गया था, पारित किया गया था। लेकिन यदि क्वेश्चन आपसे पूछता है कि भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, तो वो 2006 में पारित किया गया। तो फ्रेंड्स, ये था आज का इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू आपका। इसमें हमने 15 क्वेश्चन लिए हैं, और आई थिंक से क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, और देख के पढ़ के समझ में आ गया होगा कितने इम्पॉर्टेंट के क्वेश्चन हैं परिवार एवं आवास से। ठीक है, तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड लेसन को लेके आते हैं और आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।